दोस्तों आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं अपनी इस डे 25 क्लास में। जी हां गाइस, गाइस डे बाय डे मैं आपके लिए ट्रेनिंग लेके आ रहा हूं और गाइस मैं डेली एक्टिव हूं। डेली मैं 9 से 10 बजे के बीच में आपके लिए बहुत सुंदर क्लास लेके आता हूं सुबह। और गाइस मैं कमिंग संडे को मैं लाइव आ रहा हूं। लाइव आने का समय मैं इंस्टाग्राम के हैंडल पे, जो कि नाम है राज मेहंदी डिजाइनर इंस्टाग्राम हैंडल का, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप कर लेना। और मैं यूट्यूब पे उसकी पोस्ट जरूर डालूंगा कि मैं किस समय पर, मोस्ट प्रोबली इवनिंग का समय होगा 7 से 8 बजे का, जिस समय मैं लाइव आऊंगा। हो सकता है कि वो 6 से लेके 8 के बीच का समय हो, तो जो भी टाइम होगा मैं डिसाइड कर लूंगा और उस टाइम पे मैं गाइस आपके बीच में लाइव आऊंगा। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि मेरे वीडियो की हर एक वैल्यूएबल नोटिफिकेशन आप तक आएगा। इसे मेरा नहीं, आपका अपना चैनल है, जो आप मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूं गाइस, धन्यवाद करता हूं आपका। और गाइस ट्रेनिंग को लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी नहीं, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। यही वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं आपके लिए डे बाई डे अपना इतना बिजी शेड्यूल से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के लिए ट्रेनिंग बनाता हूँ। तो गाइस क्लास को लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी नहीं। और जिस तरह से आपके पास ये ट्रेनिंग पहुँच रही है गाइस, ये एकदम समाज सेवा है, एकदम फ्री सेवा है, आपके लिए मैं समर्पित हूँ। तो गाइस आपका राइट बनता है, आपका दायित्व बनता है, जिस प्रकार से आपके पास ये ट्रेनिंग आई है, इसी प्रकार से आप इस ट्रेनिंग को मैक्सिमम नीडेड लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकें। गाइस आज भी बहुत से लोग हैं 125 करोड़ की पॉपुलेशन में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया से बाहर की बात करूं, बहुत लोग हैं चाहते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना, कुछ अच्छा सीखना। गाइस उन तक ये ट्रेनिंग नहीं पहुंची है, अगर आप उनको जानते हैं तो गाइस रिक्वेस्ट करूंगा इस ट्रेनिंग को आप उन तक जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकें। और आने वाले समय में लाइक करवा चौथ है, बैटिंग सीजन है, बहुत सारे सीजन आने वाले हैं, उस सीजन तक वो बहुत अच्छा अर्न करें। एटलीस्ट अगर सोचिए, अगर आपके माध्यम से आपने उनको ट्रेनिंग शेयर किया, अगर आपके माध्यम से उनके घर में 5 से 10 हज़ार रुपये महीने आ गए, तो गाइस वो आपको जरूर ब्लेसिंग देंगे और आप लोग मुझे जरूर ब्लेसिंग दोगे। तो गाइस ध्यान रखें, नर सेवा नारायण सेवा, इंसान से बड़ी सेवा कुछ नहीं है। मनुष्य की अगर आपने सेवा कर दी सच्चे लगन से और भाव से, तो गाइस इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको दूंगा मंडाला पैटर्न और पैटर्न बहुत सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, आई होप आपको पसंद आएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखे ताकि थोड़ा सा मैं पैटर्न को टिल्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपने देना है एक आउटलाइन, ठीक है। फिर से मैंने एक आउटलाइन दी है सुंदर तरीके से, क्लियर है। अब मैं इसके ऊपर स्मॉल सर्कल दूंगा 2 बार, फटाफट से मैं इसके अंदर स्मॉल सर्कल देता हूँ। और गाइस जब आप स्मॉल सर्कल दें तो एक बात को ध्यान रखना है कि आप कोन को टच करके चलाएं, ठीक है। उठा के चलाओगे थोड़ी सी कोन मोटी चलेगी, और जितना आप टच करके चलाओगे, एकदम चिपकाना भी नहीं है, थोड़ी सी उठी हो। गाइस मैं इसके ऊपर दूंगा एक सुंदर सी आंबी, ठीक है, आपको उसको ध्यान से देखना है। इस प्रकार से पूरे कॉन्फिडेंस से इसको मैं टर्न करूंगा, ठीक है। अब मैं यहां पर इसको दूंगा आउटलाइन, आउटलाइन एकदम आपको शार्प देनी है आउटलाइन, ठीक है, और थोड़ा ब्रॉड करके चलना है। जो यहां जगह खाली है, एक बड़ा सा ड्रॉप दूंगा यहां पर, फिर एक छोटा सा ड्रॉप दूंगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं दूंगा आउटलाइन, आउटलाइन थोड़ा उठा के देनी है हमें इस प्रकार से, दिख रहा है, दिख रहा है गाइस आपको पक्का। अब यहां पर आप इस प्रकार से डॉट्स बना दीजिए, ठीक है, आराम आराम से। और ये बहुत सिंपल पैटर्न है, अगर आप किसी के लगाएंगे तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको आप कह सकते हो ओपनिंग, ये आपके पैटर्न की ओपनिंग है। अब मैं यहाँ पर आउटलाइन दूंगा एक अगेन,
और इस प्रकार से मैं ऊपर की तरफ टर्न करूंगा। ठीक है गाइस, दिख रहा है आपको? अब मैं दिख रहा है, अब मैं यहां पर फिर से स्मॉल सर्कल दूंगा इस प्रकार से, और आपको स्मॉल सर्कल बहुत आराम से बनाना है, सुंदर बनाना है। मैं थोड़ा फास्ट दे रहा हूं, बट आप मत देना रीजन, क्योंकि मुझे आज ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। अगर मैं आराम आराम से दूंगा तो गाइस पैटर्न पूरा नहीं हो पाएगा और टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कम से कम टाइम में हम पैटर्न को फटाफट से क्लियर करें। और अगर आपको स्मॉल सर्कल बनाने में या आउटलाइन देने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी बाकी ट्रेनिंग्स को डे वन से अटेंड करें। मैंने हर चीज़ के बारे में, आम्बी के बारे में हो या आउटलाइन के बारे में हो, बहुत अच्छे से बारीकी से गाइड किया है। ठीक है, इतनी बारीकी से मैं अपने जो क्लास में देता हूँ उन स्टूडेंट को भी गाइड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने गाइड किया है मतलब बहुत ही वैल्यूबल ट्रेनिंग है। यहाँ पर आप टच करेंगे, पुश करेंगे, ड्रॉप दीजिए, आराम आराम से टच पुश ड्रॉप दें। ठीक है, और ये गाइस ओपनिंग है, ओपनिंग जितनी अच्छी होगी सोचिए पैटर्न भी उससे अच्छा होगा। ठीक है, आज मैंने एक सिंगल कोन ली है, दो कोन मैंने यूज नहीं कर रहा हूँ। इसी से मैं मोटी कोन भी चलाऊंगा और पतली कोन भी चलाऊंगा। क्लियर है गाइस? क्लियर हो गया आपको ये? अब मैं यहाँ पर फटाफट से स्मॉल सर्कल दूंगा इसके अंदर इस प्रकार से। अगर आप इसके अंदर स्मॉल सर्कल नहीं देते हैं फॉर एग्जाम्पल तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें कि अगर आप स्मॉल सर्कल दे रहे हैं तो गाइस इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूंगा इस प्रकार से राउंड सर्कल। राउंड सर्कल आपको आराम से बनाने हैं। दिख रहा है गाइस पक्का? अगर नहीं दिख रहा हो तो आप मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और आप मेरा ये वीडियो, आप मेरी ये क्लास किस राज्य से देख रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी ट्रेनिंग आप कहाँ बैठ के देख रहे हैं, मैं दिल्ली से हूँ, आप किस स्टेट से हैं, अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखें। आपका नाम क्या है, कितने टाइम से आप मेरी ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग को देख रहे हैं, और मेरी ट्रेनिंग से आपको अभी तक क्या लाभ हुआ है। आप जो सीख रहे हो वो आपको वाकई में आया है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या वो एकदम सही हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अपनी राय गाइस ज़रूर लिखें कमेंट्स के माध्यम से, ताकि मुझे मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर वाकई में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को गाइस करूँगा बोल्ड इस प्रकार से। ठीक है गाइस, क्लियर है? अब मैं यहाँ दूंगा एक आउटलाइन इस तरह से। ठीक है, फिर से मैं एक आउटलाइन दूंगा। यहाँ हम बनाने वाले हैं एक बैंड, ये बैंड है और बैंड बहुत अच्छा बनेगा, और इसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा आसान तरीके से बनाएं ताकि आपको लगाने में प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप बैंड्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन कोशिश ये करें कि जो थोड़ा इजी हो, जो आप आराम से बना सकें, इसको बनाने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वो आप इसके अंदर अप्लाई करें। मैं यहाँ पर दूंगा स्मॉल सर्कल, और गाइस स्मॉल सर्कल जो है वो हम चारों तरफ देंगे ताकि इसका लुक थोड़ा सा अच्छा लगे। ये देखिए, ध्यान से देखना गाइस एक एक चीज़ को। ठीक है, और पैटर्न गाइस अच्छा लगे तो लाइक करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, कंजूसी नहीं करना, लाइक जरूर करना। लाइक से क्या होता है, आपकी एक वोटिंग होती है कि आपको कितना अच्छा पैटर्न लगा है। ठीक है, क्लियर है गाइस? अब मैं यहाँ पर चिकजैक वाला चेक दूंगा, एकदम स्ट्रेट लाइन देनी है आपको। और गाइस इस चेक की मैं आपको खासियत बता दूं, बहुत इजी और बहुत सिंपल चेक है। अगर आपको ये फिनिशिंग से लगाना आ गया तो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी पैटर्न आराम से लगा सकते हैं। और इसको बनाने का मतलब है कि अगर आप इसको बना रहे हो, जब ये आप कंप्लीट करते हो तो आपके चेक में फिनिशिंग आनी चाहिए। अगर फिनिशिंग नहीं है
तो गाइस आपका चेक ये बहुत बेकार बनेगा, क्योंकि ये जितना सिंपल है उतना ही गंदा लगेगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं बनाओगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? ये बहुत सिंपल चेक है, कोई भी आराम से इसको बना सकता है। और ये पैटर्न, ये जो चेक है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस चेक को मैं अपनी ब्राइडल मेहंदी में, नॉन ब्राइडल मेहंदी में, स्पेशल हैंड्स में इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, ठीक है, राज मेहंदी डिज़ाइनर इंस्टाग्राम का हैंडल है। वहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं रील्स के साथ। वहाँ आप जाके चेक करना मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं, फिर उससे आपको ज़रूर आइडिया लगेगा कि ये सिंपल डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, बनाने का तरीका सिंपल है, बट जितना आप इसको सुंदर बनाएंगे फिनिशिंग के साथ उतना अच्छा लगेगा। अब आप चाहते हैं थोड़ा ये अट्रैक्टिव लगे और, तो आप इसके अंदर छोटे छोटे से डॉट डाल दीजिए ताकि ये थोड़ा भरा सा लगेगा और इसका लुक और भी अच्छा आएगा। वैसे गाइस डॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा लुक और अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपके पैटर्न में खूबसूरती आएगी। जो बनाएं बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाएं। और आपको अगर लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे हाथ में फिनिशिंग नहीं आ पाती है, आपके जैसा तो नहीं बन रहा है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मुझे मैच फर्स्ट टाइम नहीं लगा रहा हूँ, मुझे 16 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो सोचिए जब मैं अब जाके इतना अच्छा बनाता हूँ, तो अगर आपको मैं उस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने आपको 3 महीने तो पूरे दो। 3 महीने के अंदर अगर आपके अंदर फिनिशिंग नहीं आती है, फिर आप कोई डिसीजन लेना कि मुझसे बना है या नहीं। गाइस यहाँ पर हम फटाफट से स्मॉल सर्कल दे देते हैं, ठीक है, अच्छे से आराम आराम से। और गाइस अगर बाहर की नॉइस आ रही है तो कृपया करके बाहर की नॉइस को इग्नोर करें, क्योंकि मैं ये क्लास दे रहा हूँ, इवनिंग का समय है और आपको पता है इवनिंग में बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, लगभग 6:24 हो रहे हैं। ठीक है, मैं गाइस बहुत ज़्यादा बिजी था, कल मैं किसी कार्यक्रम में था, मटकी फोड़ कार्यक्रम में, वहाँ मुझे लोकप्रिय सुपरस्टार हैं, सांसद हैं एवं एक्टर हैं, आप सभी जानते होंगे उनको, आदरणीय मनोज तिवारी जी, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, तो मैंने उसकी फ़ोटो भी शेयर की हुई है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं। सोचिए गाइस मैं इतना लेट आया हूँ लेट नाइट, फिर भी मैं आपके लिए ट्रेनिंग बना रहा हूँ, मुझे बहुत काम था आज। ठीक है, अब गाइस मैं इसके बीच में एक डॉट दूंगा सुंदर सा, ठीक है, आराम से। अब मैं यहाँ पर आउटलाइन दूंगा, आराम आराम से इसको आप कंप्लीट करें। ठीक है, हम यहाँ पर स्मॉल सर्कल देंगे 2 बार, ठीक है गाइस। और आप ये बात ध्यान रखें, जितनी स्पीड से आप कोन को चलाते हो उतनी ही स्पीड से आपको कोन को पुश करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गाइस इस प्रकार से आप आउटलाइन दे लें ताकि आप जब उसके ऊपर सर्कल डालें, ठीक है, आउटलाइन करेंगे तो ये इक्वल लगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं टच करूंगा, पुश करूंगा और ट्राई करता हूँ सर्कल देने का इस प्रकार से। ठीक है, आराम से इसको बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर आपका सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, क्योंकि मेरी कोन नहीं है, मार्केट की कोन है। ठीक है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मैं इसको ठीक कर दूँ या मैं इसको इरेज कर दूँ, तो मैं इसको इरेज बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं वो आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये बना लिया, अब मैं इसके ऊपर दूंगा स्मॉल सर्कल। ठीक है, आराम आराम से आप देखना किस प्रकार से आपका ये जो सर्कल है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, रीजन क्योंकि ये मार्केट वाली कोन है तो इसका फ्लो बिल्कुल वो नहीं आ पाता है जो आना चाहिए। लेकिन अगर आप इस लेवल की मेहंदी भी लगा रहे हो किसी के, तो
अपने आप में गाइस बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और आप चाहते हैं मैं आपको अपनी नेचुरल मेहंदी बनाना बताऊं, तो बहुत जल्द बताऊंगा, उसके लिए वोटिंग करें, ठीक है। जिसकी वोटिंग ज़्यादा होंगी, अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट सिर्फ इसी चीज़ के आए हैं कि आप मुझे अपनी ऑर्गेनिक मेहंदी बताना कैसे होती है, कैसे बनती है, ठीक है, ऑर्गेनिक मेहंदी कैसे बनती है, उसके अगर 500 कमेंट आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो आप उसका थोड़ा वेट करो, मैं बहुत जल्द वो ट्रेनिंग भी लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत बारीकी से गाइड करूँगा कि मैं कौन सी मेहंदी, कौन सा पेस्ट, कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी इस प्रकार का ऑयल या मेहंदी यूज कर सकें, ठीक है गाइस। ये क्लियर हो गया, अब ये गोल नहीं हुआ है तो उसको हम गोल करते हैं, हम इसके ऊपर हम देंगे आउटलाइन आराम से इस प्रकार से। गाइस आपको ये चीज़ रियलाइज होनी चाहिए कि आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे इंस्टीट्यूट में हो, आपको बिल्कुल ये फील नहीं होना चाहिए कि आप इस ट्रेनिंग को ऑनलाइन देख रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना कल वाली क्लास में, आप आराम से लीप दें, ठीक है, इस तरह से, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। दिख रहा है गाइस, ये बहुत सुंदर पैटर्न है गाइस, ठीक है, आराम से बनाने हैं, और जितनी फिनिशिंग से आप बनाओगे उतना ही अच्छा ये बनेगा और ये उभर के आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस जरूर करें, जो लोग सोचते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस, टाइम नहीं मिलता है, तो गाइस टाइम तो निकालना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ इस प्रकार से, आप इसको टर्न कर दें, ठीक है, ये कर लोगे आप, टफ तो नहीं लग रहा आपको, ठीक है, बहुत इजी है। और गाइस मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ कि किस तरह से बनेगा। अब हम आउटलाइन को आहिस्ता आहिस्ता से आराम आराम से कवर्ड करें, और गाइस अगर आपको मेरी ट्रेनिंग समझ में नहीं आती है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक ट्रेनिंग को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करके ज़रूर देखें। उससे क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने अभी ट्रेनिंग देखी, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें आपके दिमाग सर से ऊपर निकल गई, ठीक है, बट अगर आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो कि जो कुछ उसमें मैंने दिया है, ठीक है। आराम से इसको बनाना है, और कोशिश करें मेरी कोई भी एक ट्रेनिंग, जो भी आपको पैटर्न की प्रैक्टिस करनी हो या पैटर्न आपको लगाना हो, कोई भी मेरी एक ट्रेनिंग आप रात को सोने से पहले ज़रूर देखें। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके माइंड में, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जब आपका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देगा तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक होगा, और नींद में भी आपको इस टाइप के डिज़ाइंस आएंगे। अगर आपके नींद में इस टाइप के डिज़ाइन आ रहे हैं, या नींद में आपके ये चीज़ें आ रही हैं कि यार मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहंदी सीखनी है, मुझे मेहंदी में बहुत कुछ करना है, तो गाइस आप ये जान लो, आप ये मान लो, ये गारंटी के साथ है कि आप आगे बढ़ जाओगे, जो आप चाहते हैं करना वो आप कर लोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हमारे अंदर डेडिकेशन, जुनून, एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है गाइस, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसके ऊपर दूंगा इस प्रकार से एक राउंड सर्कल, राउंड सर्कल के ऊपर बनाऊंगा इस प्रकार से स्मॉल सर्कल, ठीक है, फिर से मैं एक आउटलाइन देके राउंड सर्कल दूंगा थोड़ा सा गैप करके, ताकि हमारा स्मॉल सर्कल बन सके। क्लियर है गाइस, दिख रहा है आपको, आई होप आपको पैटर्न अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो गाइस लाइक कर दो, लाइक करने में कंजूसी नहीं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक आए। नीचे दिए गए बेल आइकन को, बटन को प्रेस करें,
ठीक है, क्लियर है गाइस। अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक मॉडल नाम भी दूंगा, ये देखिए, ये गाइस मैंने आपको कल सिखाया है, कल वाली ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया है। जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि टफ हैं, तो गाइस बिल्कुल टफ नहीं है, सब कुछ सिखा चुका हूँ। और गाइस ये थोड़ी टाइट मेहंदी है, ठीक है, अगर मेरी अपनी मेहंदी होती तो ये बहुत सुंदर चलती, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मार्केट की कौन से मैं मेहंदी कैसे लगाऊं, तो उन लोगों के लिए ट्रेनिंग है ताकि वो लोग समझें कि मार्केट की कौन से भी आप अच्छी मेहंदी लगा सकते हैं। हाँ, बस अड़ते हैं आपके पास बनी हुई, आपकी बनाई हुई ये मास्टर कौन होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मास्टर कौन कैसे बनती है, तो मैंने इसके लिए भी ट्रेनिंग दी हुई है, आप मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करें डे वन से। आप चेक कीजिए किसमें मैंने मास्टर कौन बनानी बताई है, ठीक है। इस प्रकार से मैं स्मॉल सर्कल दूंगा, क्लियर है, और ये बहुत सुंदर पैटर्न है गाइस। अब मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे वोटिंग करें, आपको क्या चाहिए, आपको मैं किस प्रकार के डिज़ाइन दूँ। जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उस प्रकार के डिज़ाइन लेके आऊँगा आपके पास, जो आपको बनाने नहीं आते हैं, ठीक है, जिस चीज़ की वोटिंग ज़्यादा होगी। क्लियर है गाइस। यहाँ मैंने छोटा दिया है या थोड़ा बड़ा दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बनाएं एकदम कॉन्फिडेंट से बनाएं ताकि वो दिखने में सुंदर लगे, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पर एक ड्रॉप दूंगा बड़ा सा, फिर छोटा सा ड्रॉप दूंगा, फिर से बड़ा सा ड्रॉप दूंगा, फिर छोटा ड्रॉप दूंगा। थोड़ी सी गाइस मैं कोन को कट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइट चल रही है ये, और इस प्रकार से मेरे हाथ में पेन हो जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं मेस करना भूल गया था, जिससे मैंने कल आपको बताया कि कोन को मेस कैसे करते हैं, ठीक है, क्लियर है गाइस। अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से फिर से एक राउंड सर्कल दूंगा, यहाँ मैं दूंगा स्मॉल सर्कल, एक बार फिर से मैं स्मॉल सर्कल दूंगा इसके ऊपर, क्लियर है, एक डॉट दूंगा बड़ा सा, फिर डॉट 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 एंड डॉट, ठीक है, क्लियर है गाइस। अच्छा लग रहा है, आप इस डॉट को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, चॉइस है आपकी, जो छोटा बड़ा करना है आप आराम से कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं फिर से राउंड सर्कल दूंगा, इसके ऊपर स्मॉल सर्कल, ठीक है गाइस। ये ट्रेनिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपका गुरु होने के नाते आपसे मैं प्रॉमिस चाहता हूँ, हर गुरु की एक दक्षिणा होती है, मेरी दक्षिणा भी यही है कि मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ गाइस, जिस प्रकार से ट्रेनिंग आपके पास आई है और आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आज भी बहुत से लोग इस ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से किसी का भला हो, तो गाइस आप इस ट्रेनिंग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीडेड लोगों तक शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी इस ट्रेनिंग का लाभ उठा सकें, ठीक है। अब यहाँ मैंने अम्बी का फेस इधर किया है, और इधर मैं इस वाली अम्बी का फेस करूँगा अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ छोटी अम्बी दी है मैंने, बड़ी दी है उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं यहाँ पर डॉट्स दूंगा, क्लियर है, अच्छा लग रहा है गाइस पैटर्न। अब देखो गाइस, जो यहाँ जगह खाली आ रही है, यहाँ पर हम क्या देंगे, मैं इस तरह से बनाता हूँ ताकि आपको दिखे, दिख रहा है गाइस पूरा पैटर्न दिख रहा है। अब आप यहाँ देखो, इस प्रकार से आप ड्रॉप दीजिए यहाँ पर आराम आराम से, ठीक है, इसका फेस इधर रखिए ताकि ये अच्छा लगे। अच्छा लग रहा है गाइस, हाँ, आप मुझे कमेंट में राय जरूर लिखें पैटर्न कैसा लग रहा है, मैं जरूर पढ़ूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी गाइस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस प्रकार से आउटलाइन दूंगा, अब इस आउटलाइन को मैं कर दूंगा बोल्ड, मैंने यहाँ पर दिया स्मॉल सर्कल,
ठीक है, फिर से मैं स्मॉल सर्कल दूंगा, क्लियर है। अब मैं यहाँ दूंगा राउंड सर्कल। राउंड सर्कल आप आराम से बनाएं, अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप मेरी बाकी ट्रेनिंग को अटेंड करें, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने ट्रेनिंग का टाइटल लिखा था, आप अगर देखेंगे कि जो नए बिगनर्स हैं वो मेहंदी लगाना कैसे सीखें, जो आप गलतियाँ करते हैं उन गलतियों को आप ठीक कैसे करें, तो आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें। उसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से विस्तार से बताया हुआ है। आई होप गाइस आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ दिखाएं, थोड़ा सा इस प्रकार से दिख रहा है गाइस, पक्का दिख रहा है ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार से मैं यहाँ लीप दूंगा, फिर से मैंने एक लीप दी, ये देखिए दिख रहा है आपको, इस प्रकार से आप लीप दीजिए, ठीक है। बीच में इसकी लेयर दे दीजिए, और अगर जगह यहाँ थोड़ी सी बची है तो आप इस प्रकार से यहाँ पर एक राउंड शेप में दे दें एलिमेंट, क्योंकि जब फिंगर बनाओगे तो जगह बचने का कोई भी चांस नहीं है। बट ये पैटर्न है, पैटर्न थोड़ा बड़ा है, इसमें सारे डिज़ाइन बड़े आते हैं, तो मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है। और गाइस आज की ट्रेनिंग कैसी लगी है आपको, ये चीज़ दिल से बताना, अपनी राय अपना कमेंट्स लिखना, और जो मैंने बोला है आप लोग किस कंट्री से हैं, किस राज्य से हैं, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। अपनी राय लिखें, अपने बारे में लिखें, ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। जो बची हैं इसकी फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स पे बहुत सिंपल सा पैटर्न है, इस प्रकार से आप राउंड सर्कल दें, एक राउंड आउटलाइन दें, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे स्मॉल सर्कल, इस स्मॉल सर्कल को दो बार देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक बात करूँ कि यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट हैं, अगर आपको सिर्फ वही देने हैं तो आप इस प्रकार से एक राउंड शेप की आम भी दें, एक लेयर दें, फिर छोटी लेयर, फिर छोटी लेयर, क्लियर है। इस प्रकार से आप इसको आराम से सारी फिंगर्स को फिल कर दें, दिख रहा है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसके अंदर और भी चेंजेस कर सकते हैं। वैसे मैं यही बोलूँगा कि जो चीज़ बनी हुई है, जो इसकी सिमेट्री है, वही रखें ताकि इसका लुक अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि अगर सभी पैटर्नों में आप वही कर दोगे जो हम पहले करते हैं तो गाइस मज़ा नहीं आएगा, आपको भी लगना चाहिए कि हमने आपको कुछ नया दिया है, ठीक है। आराम आराम से बनाना है, जल्दबाजी तो करनी नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी कोन छोटी हो जाए तो इस प्रकार से आप इसको टर्न कर लें, और अब हम इसका फेस देंगे इस तरफ, ठीक है, ताकि ये और अच्छा लगे, क्लियर है गाइस, ठीक है। अब बचा थंब, थंब के ऊपर हम आउटलाइन देंगे थोड़ी ब्रॉड, इसके ऊपर हम देंगे स्मॉल सर्कल। मैं चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप पूरे पैटर्न को अच्छे से दिखाएं कि पूरा पैटर्न बना किस तरह से है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर यही सेम एलिमेंट दिया है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, क्लियर है गाइस। कैसा लग रहा है पैटर्न, दिखाइए पूरा पैटर्न यहाँ तक, और गाइस अच्छा लगे लाइक करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। आई होप गाइस आपको आज की ट्रेनिंग में मजा आया होगा, और ये सिंपल पैटर्न बिल्कुल नहीं है, ये मॉडर्न पैटर्न है, ये मंडाला पैटर्न है, और ये मंडाला मॉडर्न कह सकते हैं इसको, मैंने थोड़ा सा मॉडर्न लुक दिया है। और गाइस अगर आपको पैटर्न अच्छा लगा है तो गाइस लाइक करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं। आप चाहते हैं मैं इस तरह से आपके लिए सुंदर सुंदर डिजाइन लेके आऊं, तो आप कमेंट्स करें क्या चाहिए आपको, क्या चाहते हैं कि मैं आपको दूं, तो गाइस वो पैटर्न्स के लिए आप कमेंट्स करें, और जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो गाइस मैं वो पैटर्न जरूर लेके आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। गाइस संडे को मैं लाइव आ रहा हूँ, तो वेट करना। आई होप गाइस आज की ट्रेनिंग में मज़ा आया है, लाइक कर देना, लाइक करने में कंजूसी नहीं, और ट्रेनिंग को मैक्सिमम लोगों तक
जरूर शेयर करें। सो गाइस, मैं राज गुप्ता, फाउंडर ऑफ राज मेहंदी डिजाइनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा क्लास नंबर डे 26 में। आप सभी को नमस्कार गाइस, थैंक यू सो मच।